मोदी के चेहरे पर तो लड़ाई जा रहा है, उसके अलावा जो पार्टी ने काम किया है, 10 साल लगातार काम किया है उन्होंने, विकास किया देश के लिए, गरीबों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, सबके लिए उन्होंने काम किया है, उसके बिहाफ के ऊपर इलेक्शन लड़ा जा रहा है। जो आम आदमी पार्टी की सरकार जब से आई है उसने महिलाओं के प्रति बहुत सारे काम किए हैं, तो इस चलते समझ में आता है कि हाँ इस बार जो लोकसभा का चुनाव है उसके अंदर भी हमें बदलाव चाहिए। बांसुरी स्वराज वनसाइड जीत रहे हैं, उसको तो खड़ा कर दिया जिसने अपनी वाइफ को मारा है। जो औरतों की इज्जत करना नहीं जानता वो हम जनता की इज्जत कैसे करेगा। मुझे तो लगता है कि देश का चुनाव है तो देश के बारे में पहले सोचना चाहिए, ना कि एक राज्य के बारे में। ठीक है, तो मोदी जी एक मतलब एज अ नेता मोदी जी परफेक्ट ऑप्शन है, उनसे बेटर कोई भी नहीं अभी फिलहाल। क्या इस बार का माहौल नई दिल्ली क्षेत्र में आपको नजर आ रहा है? एक तरफ बांसुरी स्वराज, दूसरी तरफ सोमनाथ भारती, क्या चुनावी माहौल नजर आ रहा है? बहुत बढ़िया माहौल आ रहा है और बांसुरी जो है सीट को बिना उसके निकाल ले जाएगी अच्छे वोटों से। लेकिन बांसुरी स्वराज कहा जा रहा है न्यू कमर है, पहले उनकी माँ का जरूर रोल रहा है लेकिन उनका राजनीति में ये डेब्यू है, आपको लग रहा है कि मीनाक्षी लेखी की जगह जो बड़ा चेहरा बीजेपी ने उतारा है वो कुछ कमाल कर पाएगा? आपके क्षेत्र में आई हैं वो इस वक्त? नहीं नहीं, सुषमा स्वराज ने अच्छा काम करा है, बीजेपी में अच्छे पद पर रही है और ये लड़की भी जो है अच्छा काम करेगी। इस बार वोट काम के नाम पर या नाम के नाम पर, किसके नाम पर वोट पड़ने वाले हैं? मोदी के काम के नाम से ही वोट पड़ेगा मैडम। कुछ भी बोल देते, किसी का मंगलसूत्र किसी को दे देंगे, हिंदू मुस्लिम राम, यही रह गया है क्या देश में? सिर्फ मंदिर ही रह गए हैं, सिर्फ राम जी रह गए। राम जी को आस्था बनाओ, काम करो। राम जी ये नहीं कहते कि घर बैठे आपको सब कुछ मिलेगा, राम जी को सिर्फ आस्था में रखो, विश्वास में रखो। राम के नाम पर आप भीख मांग सकते हो वोट। लोकसभा चुनाव भी आपको लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, उन्हीं के पोर्टफोलियो पर लड़ा जा रहा है? मैडम, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर तो लड़ाई जा रहा है, उसके अलावा जो पार्टी ने काम किया है, 10 साल लगातार काम किया है उन्होंने, विकास किया देश के लिए, गरीबों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, सबके लिए उन्होंने काम किया है, उसके बिहाफ के ऊपर इलेक्शन लड़ा जा रहा है। एक आदमी के चेहरे पर नहीं लड़ा जा रहा है, हम कहें कि मोदी जी बाकी विकास किया, पब्लिक देख रही है, पब्लिक को मालूम है कि क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो है कि जो अलायंस बना है, जो उनसे अलायंस गठबंधन बना है, उसमें काम करने वाला है कौन, किस भी हाथ पे उनको लोग वोट देंगे, किसके सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है हमारे पास। क्या इस वक्त आपको नज़र आ रहा है नई दिल्ली क्षेत्र में, आपके क्षेत्र की अगर हम बात करें मोती नगर क्षेत्र की, बांसुरी स्वराज यहाँ भी आई होंगी, इससे पहले मीनाक्षी लेखी थी, कितना आपको लग रहा है विकास, कितना डेवलपमेंट हुआ है आज तक? ऐसा है मैडम, डेवलपमेंट तो हुआ ही है। और दूसरा जो बांसुरी स्वराज है, अगर आपको लग रहा है कुछ विकास के काम हुए हैं, कोई तीन डेवलपमेंट बताइए। हमारे यहाँ सारे पार्कों में जिम की सुविधा जो है वो मीनाक्षी लेखी जी के द्वारा दी गई थी और आज उस जिम की वजह से हमारे सारे बुजुर्ग युवा नेता सब वहाँ जिम करते हैं, स्वस्थ रहते हैं और याद करते हैं मैडम को। और अब बांसुरी जी जो आई हैं, बांसुरी जी भी कोई नई नेता नहीं है, बांसुरी जी ABVP से आई हैं, ABVP में भी हैं और पीछे प्रदेश में मंत्री भी थी, तो इसलिए। और बाकी वो सुषमा स्वराज जी की बेटी हैं और सारी उम्र उन्होंने राजनीति ही देखी है, तो हमें उनसे पूरी उम्मीद है। आम आदमी पार्टी कितना बड़ा चैलेंज देने वाली है, क्या आपको इस वक्त नजर आ रहा है इन सीटों का हाल, यही जानने के लिए तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। एक युवा होने के नाते आपको क्या लग रहा है कितना बड़ा चैलेंज नई दिल्ली क्षेत्र से है? एक तरफ बांसुरी स्वराज है, दूसरी तरफ सोमनाथ भारती है, क्या आपको लग रहा है आम जनता मुद्दों को लेकर वोट करेगी, नाम को लेकर वोट करेगी, या फिर आपको लग रहा है जैसे होता आ रहा है पिछले 10 साल से कुछ वैसा ही रुझान दिखेगा? देखिए, बहुत सीधी सी बात है, आम जो जनता है उसने अपना मन बना लिया है और इस बार जिस प्रकार से उन्होंने विधानसभा में आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई, जिस प्रकार से नगर निगम के अंदर आज हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है, उसी प्रकार से इस बार दिल्ली की जनता ने डिसाइड कर लिया है कि वो आम आदमी पार्टी को और इंडिया जो गठबंधन को 7 सीटें देने वाली है। कोई मुकाबला आपको नजर नहीं आ रहा, 7 एकदम एक तरफा? कोई मुकाबला नहीं है, इस बार ये कहीं टिकेंगे भी नहीं। इनके कार्यकर्ता आज जो हमारे नेताओं के साथ घटित हो रहा है, आज इनके नेता जो इनके कार्यकर्ता हैं गलियों में वो भी ये कहते हैं कि इनके साथ गलत हो रहा है, क्योंकि ये भी जानते सच्चाई, क्योंकि इनको भी बिजली फ्री इनको भी मिलती है, पानी फ्री इनको भी मिलता है, इनकी महिलाएं भी बसों में
फ्री सफर करती हैं, तो ये सुविधाओं का लाभ ये भी ले रहे हैं, तो ये बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इस बार मुझे पूरा विश्वास है कि आम जनता के अलावा जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो अंदर खाने आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। बात बोलना चाहूंगी, सबसे ज्यादा मस्ट महिलाओं का यहाँ पे कष्ट हो रही है पानी के लेके। आप पूछिए, हमारी ये दीदी हैं, हमारी बिल्डिंग में अभी भी पानी नहीं आ रही है। कम से कम ये मुर्दा, कम से कम ये 5 महीने से ये चल रही है, अभी तक भी हमारी बिल्डिंग में पानी नहीं आ रही है। हम सुबह उठते हैं सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं, शौचालय जाते हैं, उसके बाद से हम ऑफिस जाते हैं। हमारा कोई भी काम समय से नहीं हो रहा है, और कोई भी कौन सी सरकार जिम्मेदार है इसके लिए? वो तो बुनियादी सुविधा, अगर आपको पानी जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित है, अगर वो नहीं मिल पा रहा, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? केजरीवाल जी हैं, और कौन है? महिलाओं के लिए कोई सुविधा नहीं है, और जो लॉलीपॉप दे रहे पंजाब में तो हुए तो मिलता ही नहीं पंजाब में, तो दिल्ली कहाँ से मिलेगी? दिल्ली में कहाँ? हमारे बच्चे समय से स्कूल नहीं पहुँच रहे हैं, पानी की वजह से नहीं पहुँच रहे हैं, हम समय से नहा नहीं रहे हैं, हम ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, घर में पूजा पाठ नहीं हो रही है। जैसे वो हैं भक्षु, वैसे हमें भी भक्षु बनाना चाहते हैं। केजरीवाल जी जब से दिल्ली में आए हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत काम किए हैं, उन्होंने बसें फ्री की हैं, उन्होंने महिलाओं की जो सुरक्षा है उसके ऊपर बहुत काम किया है, कैमराज लगाए हैं। तो एक तरीके से देखा जाए जो हमारी जो आम आदमी पार्टी की जो सरकार जब से आई है, उसने महिलाओं के प्रति बहुत सारे काम किए हैं, तो इस चलते समझ में आता है कि हाँ, इस बार जो लोकसभा का चुनाव है उसके अंदर भी हमें बदलाव चाहिए। और झूठे वादे, झूठे जुमले, ये सुनते सुनते कान पक चुके हैं, इस बार हम लोग बदलाव जरूर लाके। बांसुरी स्वराज वन साइडेड जीत रहे हैं, उसको तो खड़ा कर दिया जिसने अपनी वाइफ को मारा है। जो औरतों की इज्जत करना नहीं जानता, वो आम जनता की इज्जत कैसे करेगा? जिसने अपनी प्रेग्नेंट वाइफ पे कुत्ते छोड़ दिए, उससे मतलब तोबा तोबा तोबा। नई दिल्ली सीट से क्या लग रहा है, इस बार चुनावी माहौल क्या रहने वाला है? चुनावी माहौल तो पक्का बीजेपी का ही है, और दूसरी बात यह है कि ये देश का चुनाव है, क्षेत्रीय मुद्दों का चुनाव नहीं है। तो हमें देश को बचाना है, मोदी जी को लाना है। और दूसरी बात, तीसरी बात ये, मुझे केजरीवाल जी से और इनसे आम आदमी पार्टी से पूछना है कि जो फ्री फ्री कर रहे हैं कि लेडीज़ फ्री, तो हम जेंट्स क्यों नहीं फ्री, ये बताएं आप मुझे। अरे मैडम, नौकरी कर रही है, नौकरी हम भी कर रहे हैं, बिजली दे रहे हैं फ्री, हमें नहीं चाहिए फ्री जी, पैसे लो, जायज बनते हैं वो लो, और ईमानदारी से लो, हम देंगे ईमानदारी जी। मुझे तो लग रहा है कि देश का चुनाव है, तो देश के बारे में पहले सोचना चाहिए, ना कि एक राज्य के बारे में, ठीक है? तो मोदी जी एक मतलब एज अ नेता मोदी जी परफेक्ट ऑप्शन है, उनसे बेटर कोई भी नहीं अभी फिलहाल, ठीक है? दूसरी चीज़ कि दिल्ली में, सिर्फ दिल्ली में फ्री देने से कुछ नहीं होगा, और फ्री देने से वोट लेना, फ्री तो एक सरकार हाँ। दिल्ली में है ना, पंजाब में है, तो जहाँ पर सरकार होगी वहीं काम कर पाएंगे। बट फ्री दे के क्यों वोट लेना? फ्री दे के, अरे सर तो देश के लिए सर फिलहाल लोकसभा का चुनाव है, आप सर नाश कर दिया, खालिस्तान से फंडिंग ले लिए, तो हम क्यों आयुष्मान लाएंगे जब हम पहले कह रहे हैं कि सब कुछ फ्री ले लो। लेडीजों को सशक्त बनाओ ना, सशक्त बनाओ उनको, उनको अच्छे, उनको अच्छे, मतलब अगर आप औरतों के लिए कुछ करना चाहते हो तो उनको सशक्त बनाओ, उनको अच्छे मतलब जॉब्स की अपॉर्चुनिटी दो, उनको पढ़ने की अच्छी फैसिलिटीज़ दो, इंफ्रास्ट्रक्चर दो। 1500-2000 रुपये अकाउंट में डाल के जो आप फ्री के जो आप वोट का एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हो लेडीज़ों की, वो मुझे समझ में नहीं आई वो पॉलिसी। आप अच्छी फैसिलिटीज़ दो, अच्छी चीज़ों के ऊपर वो फोकस करो, ना कि सिर्फ वोट को फ्री की एक स्कीम बता के वोट खरीदने की कोशिश। ठीक है, मुद्दे बहुत हैं। और क्या इस बार नई दिल्ली क्षेत्र से कौन जीतेगा और किसके वोट कहां पर पड़ेंगे? क्या महिलाओं को एक बार फिर से उन मुद्दों को लेकर महिलाओं को बीजेपी रिझा पाएगी, या फिर इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलायंस मिलकर कुछ अलग कमाल करके दिखाएंगे?
तो दिल्ली के सबसे भीड़ भाड़ वाले इलाके या यूं कहें व्यस्तम इलाकों में से एक राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पर इस वक्त हम मौजूद हैं। यहां पर जानते हैं कि इस वक्त चुनावी माहौल क्या चल रहा है, लोगों के जहन में क्या है, किन मुद्दों को लेकर लोग इस बार वोट करने वाले हैं। आसपास की जो भीड़ है वो बता रही है कि व्यस्त जगह है, लोगों के पास समय की भी कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी कैसा यहाँ पर इलेक्शन का माहौल चल रहा है वो पूछते हैं। इलेक्शन को लेकर कुछ प्रतिक्रिया, इलेक्शन चल रहे हैं और इलेक्शन को लेकर वोट आप इस बार डालेंगे, क्या सोच के क्या मुद्दे रहने वाले हैं? इस बार मुद्दे वही रहेंगे जो हमेशा से रहते हैं और जो कभी भी एड्रेस नहीं किए जाते हैं, कि लोगों को अच्छे मेडिकल सुविधाएं मिले, शिक्षा मिले, ट्रांसपोर्टेशन मिले, साफ सफाई रहे और करप्शन कम रहे। क्या खास लग रहा है चुनावों में? देखिए, ऐसा तो कोई मेरे पॉलिटिकल इंटरेस्ट है नहीं, बट मेरे ख्याल से राहुल गांधी का जो मेहनत है उसे थोड़ा तो प्रेफरेंस मिलना चाहिए। हाँ, ये तो फैक्ट है कि मोदी इस बार विनिंग पार्टी में है, बट राहुल गांधी के लिए भी थोड़ा सा हमारे मन में होना चाहिए, बिकॉज लास्ट 2 सालों से उनका जो स्ट्रगल है, जो चीज़ें उन्हें ग्राउंड पे किया है वो काबिले तारीफ़ है, और इसके लिए मैं तो उनका सपोर्ट करता हूँ। मैं कोई मतलब ऐसा कोई पार्टी सपोर्टर नहीं हूँ, बट इंडिविजुअली मैं राहुल गांधी को थोड़ा सा अपने तरफ से सपोर्ट करता हूँ। बिल्कुल, हम आम लोगों के ही पॉइंट ऑफ व्यू जान रहे हैं कि आम लोग क्या चाहते हैं, क्या मुद्दे इस बार आपको लग रहा है कि इस बार के चुनावों में ये हैं? जैसा कि इन्होंने बोला है ना, वही मेरा भी कहना है कि राहुल गांधी मेहनत तो कर रहे हैं बट उनका दिखता नहीं है मेहनत, क्योंकि हमारे जो भाजपा जो ये नरेंद्र मोदी जी का जो सपोर्टिव टीम्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, तो इसके लिए मगर उनको राहुल गांधी का जो पीआर टीम है उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। आप एक महिला हैं, बताइए ज़रा क्या आपके मुद्दे हैं, क्या आप सोचकर इस बार वोट डालेंगी? अब हमारा वोट तो यहाँ पड़ नहीं रहा है तो, और अभी हम तक वोट दिए भी नहीं है, अभी हमारा वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं आया, किसी ने डाल ही नहीं रहा मेरा नाम, तो हम वोट देने जाएंगे क्या? आपके कुछ मुद्दे होंगे जब भी आप वोट डालेंगी, वोटर लिस्ट में आपका नाम आएगा, कुछ आपके मुद्दे जो जहन में हैं? इस बार तो कहा जा रहा है कि खासकर मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक का मुद्दा है या अन्य ऐसे कई मुद्दे हैं जो बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, आपको लग रहा है इन सब का कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ा है या महिलाओं का कुछ उत्थान हुआ है, विकास उनका हुआ है? जी नहीं, अभी तक तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है, क्योंकि हर कोई अपना भला ही देखता है, हर किसी के पीछे। बात कहने को तो सब बड़ी बड़ी कहते हैं पर करने को तैयार कोई नहीं है। मोदी जी कहते हैं जी हमने जो है गरीबी हटा दी है, और एक और पता क्या बोलते हैं, कितना सरकारी राशन दे रही है मोदी, सरकारी राशन दे रही है इस टाइम, और केजरीवाल ने बंद कर दिया है, क्यों बंद कर दिया? आपको लग रहा है राम मंदिर का मुद्दा है यहाँ पे? राम मंदिर का मुद्दा मोदी जी के उसमें हुआ है, पक्ष में हुआ है एकदम, जब तक कांग्रेस थी तुम्हारा आम पार्टी है जो मर्जी आई है सबने बेकार कर रखा एकदम। पहले राम पहले जब जगह जब राम आया, राम मतलब होता था ना, तो हर छोटे पार्क में जो है राम का पाठ होता था, रामायण होती थी। अब इन्होंने जो है 3-4 पूरे दिल्ली में 3-4 जगह रामायण होती है और ये बार बार राम का नाम गाते हैं। अरे भाई साहब, आज से 20 साल पहले मैंने लक्ष्मण का पात्र का रोल किया हुआ है, तभी रामायण होती थी, क्यों राम राम बोले जा रहे हैं? राम को चुनाव मुद्दा क्यों बना रहे हैं यार? जनपद मार्केट में माहौल आप देख रहे हैं पूरा चुनावी माहौल के साथ साथ यहाँ पर जो लग रहा है लोगों की भीड़, उसको जानने की कोशिश करते हैं कि वो भीड़ आखिरकार कौन सी पार्टी के साथ है, कौन से नेता के साथ है। एक महिला हमारे साथ मौजूद है, मैम क्या लग रहा है इस बार चुनावी माहौल क्या कह रहा है? तो मोदी जी, मुझे तो ऐसा ही लगता है, अब मेरी पसंद कोई भी रही हूँ मैं एक अकेली तो बदल नहीं सकती सब कुछ। एक वोट से आपको पता है हार और जीत का बहुत बड़ा फैसला हो सकता है। सही बात है, आपकी कोशिश पूरी करूँगा। क्या आपको लग रहा है वैसे आएंगे मोदी? आएंगे मोदी जी, मोदी जी बहुत प्रिय है हमें, ऐसी बात थोड़ी है। मोदी जी के नाम पर वोट पड़ने जी जी इंशाल्लाह। काम इस बार क्या हुआ है? बहुत काम हुआ है मेरे शहर में, तो बहुत ज़्यादा काम हुआ है, बिल्कुल मेरा जो शहर है जहाँ से मैं आई हूँ बहुत बदल गया है, बहुत ज़्यादा काम किया गया है वहाँ पर, तो बहुत खुशी होती है अपने शहर को बदलते हुए देखकर। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी हमारे उसमें सिटी में आए, इतने टाइम आए, बरेली आए, वो कल आए, योगी जी आए, तो हमें बहुत अच्छा लगता है एंड योगी जी ने बहुत काम करा है, तो हम मोदी से हम चाहते हैं वही आए, हम चाहते हैं मोदी जी, वी वी सपोर्ट हिम। चेहरा चाहे कोई भी खड़ा हो उनके अगेंस्ट में, आपको लगता है मोदी जी के नाम पर उनके चेहरे पर ही वोट पड़ने वाला है? जी हाँ जी, मोदी जी को ही जीतना चाहिए, बिकॉज वो बहुत कुछ मुझे लगता है कर रहे हैं, उन्होंने जो हमें दिखा है।
नहीं, हमने देखा है कि उन्होंने बहुत कुछ करा है इंडिया में, तो इसीलिए मुझे लगता है मोदी जी को ही आना चाहिए। यूथ के लिए तो एक्चुअली देखा जाए तो कोई पार्टी जेन्युइनली कुछ नहीं करती, अपने प्रोपेगेंडा चलाती हैं सारी पार्टियाँ, तो किसी पार्टी से ज़्यादा उम्मीद नहीं है। लग तो रहा है कि बीजेपी जीतेगी, लगने से तो यही लग रहा है, पर चाहते हैं कि नई पार्टी आए कोई। जो नई पार्टी की बात कर रहे हैं तो विकल्प ऑप्शंस क्या नजर आ रहे हैं भाई? एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, उनका कैंपेन, आपको लग रहा है उनके अगेंस्ट कोई ऐसा बड़ा चेहरा जो नजर आ सकता है? मेरे को लगता है कि अभी फिलहाल तो नहीं, पर आना चाहिए। क्या इलेक्शंस में मुद्दे होने वाले हैं आपको क्या लगता है? फीमेल्स एज अ फीमेल, एक महिला होने के नाते एमएसएमई सेक्टर्स के लिए एक्सप्लोर करना चाहिए गवर्नमेंट को और ज्यादा, ठीक है, जिसमें हाँ जिसमें कोलेटरल मतलब इसमें अवेयरनेस कैंप्स होने चाहिए, जो मोदी की स्कीम्स हैं मोदी सरकार की वो ज़्यादा अपन को मतलब पता नहीं आता से ज़्यादा, जब तक हम सर्च ना करें या एज ऑफ किसी और को भी नहीं पता, एजेंट्स वगैरह सारे फ्री ऐसे ही बैठे रहते हैं, तो एक स्पेशल या तो ब्रांच लगाएं जिसमें एजेंट्स हो जो अवेयरनेस कैंप्स लगाएं, जिनसे पता लगे कि हाँ कि ये चीज़ें हैं, जहाँ से बूस्टअप मिले लेडीज़ को भी। स्मॉल टाउन्स में बहुत प्रॉब्लम है, मैं भी एक स्मॉल टाउन से हूँ, तो उनको नहीं पता है कि आगे कैसे करना है, ठीक है, कैसे उन्होंने कोलेटरल फ्री मतलब कुछ भी लेना है, तो मोदी ने मतलब पीएम मोदी ने क्या क्या दे रखा है सर ने स्कीम्स वगैरह के बारे में, दैट्स इट, उस पर ज़्यादा वर्क करने की जरूरत है अवेयरनेस पे। इस बार क्या लग रहा है इलेक्शंस में वोट चेहरे पे पड़ने वाले हैं, पीएम मोदी के नाम पर ही पड़ने वाले हैं, और अगर पड़ने वाले हैं तो क्यों पे पड़ने वाले हैं? हाँ काम पे पड़ने वाले हैं, वो सब देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे कहाँ तरक्की कहाँ कैसे हो रही है सारा, वो वर्क बताता है हर एक का, तो इस बार भी देखो सब बता ही देंगे इलेक्शंस के रिजल्ट्स।